बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अलंकार। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनने से नारी की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। इसकी परिभाषा भी हमने यही बताई है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है। यहाँ पर बेर और बेर, ये शब्द दो बार आया है और इनका अर्थ अलग अलग है। तीन बेर खाती थी, यहाँ नायिका की दशा के बारे में बताया कि जो तीन बार खाना खाती थी, वो तीन बेर एक फल होता है उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। यहाँ ये दिखाया अलंकारों के प्रयोग से किस प्रकार कथन बहुत प्रभावशाली और चमत्कारिक बन जाता है। अलंकार, इसके मुख्य दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार होते हैं जहाँ काव्य में शब्द के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, उसे कहते हैं हम शब्द अलंकार। और काव्य में अर्थ के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, उसे कहते हैं हम अर्थ अलंकार। तो पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का पहला भेद है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में एक ही व्यंजन का बार बार प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अब आप देखेंगे कविता पढ़ते हैं, पंक्ति में एक ही व्यंजन बार बार आ रहा हो, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। यहाँ त त त त त व्यंजन एक ही व्यंजन है जो बार बार आ रहा है, तो आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला लेंगे हम यमक अलंकार। जब किसी रचना में एक ही शब्द दो या अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, इसके लिए मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था, तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है, ये यमक अलंकार का ही उदाहरण मैंने आपको बताया। एक और आपको उदाहरण बताया जाता है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा, घटा का मतलब है बादल की घटा, और यहाँ घटा का मतलब है कम होना, कि बादल की घटा का जो घमंड है वो कम हो गया। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास श्लेष अलंकार। जिस पंक्ति में, काव्य की जिस पंक्ति में शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ एक से अधिक हो, शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अब आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण और दिया हुआ है, सुप्रिया को फिरत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबिरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबिरन शब्द एक है लेकिन इन तीनों के लिए इस शब्द का अर्थ अलग है। कवि, कवि के लिए सुबिरन का मतलब है सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का मतलब है सुंदर नारी। और चोर के लिए सुबिरन शब्द का मतलब है सोना। अगला आता है हमारे पास अर्थ अलंकार। उसका पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें तुलना की होगी। जब आप कविता पढ़ते हैं और आपको लाइन में पता चलता है कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें इन चार चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इन चार शब्दों का वर्णन मैं आपको एक उदाहरण से भी समझाऊंगी। पहला है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। और समान गुण है दोनों में, उपमेय और उपमान में समान गुण। और वाचक शब्द होता है समान गुण को दिखाने वाला शब्द। अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा।
अब यहाँ पर हृदय जो है वो क्या है, उपमेय, इसकी तुलना की जा रही है, और नीलगगन क्या है, उपमान, इससे तुलना की जा रही है। इन दोनों के बीच समान गुण क्या है, शांत, और इस शांत को दिखाने का जो शब्द है वो है सा, सी सा सम सरीखी के समान। ये ऐसे शब्द हैं जिससे हम तुरंत पहचान जाएंगे कि काव्य में इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे आता है हमारे पास रूपक अलंकार, जहां गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप, ये मेन आप याद रखेंगे, उपमेय में उपमान का आरोप, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना का क्या मतलब है, यहाँ पर चांद को खिलौने के रूप में बता दिया, यहाँ चंद्रमा में खिलौने का आरोप हुआ है, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। आगे आता है हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए। संभावना के लिए आप कैसे समझ पाएंगे, आपको उदाहरण दिया, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, और साथ में इस लाइन को भी समझेंगे कि जब अर्जुन का गुस्सा ना बढ़ जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है क्रोध में, उसकी तुलना यहाँ पर, उसको यहाँ पर दिखाया है कि सोया हुआ सागर जैसे जाग गया हो, हवा के जोर से सोया हुआ सागर जाग गया हो। इस अलंकार को पहचानने का एक और भी तरीका है, आप अगर काव्य पंक्ति में देखते हैं, मानो मनु मानव जानो जनु ज्यों, अगर आपको ये शब्द दिखाई देते हैं तो भी आप पहचान जाएंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला हमारे पास अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का क्या मतलब है, किसी चीज का, किसी वस्तु पदार्थ कथन का लोक सीमा से बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोई। श्री कृष्ण ने पानी के थाल को हाथ नहीं लगाया, जो पानी से भरा हुआ था, उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा हमारा, अतिशयोक्ति अलंकार। धन्यवाद।